अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लर के बारे में, जो कि ब्लर का सीजन 2 ईयर ड्रॉप फिनिश हो चुका है। अगर आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिले हैं और आप एलिजिबल हो, आपने अगर यहाँ पे NFT लिस्टिंग की है या ट्रेडिंग की है, तो यहाँ पे आपके आप ब्लर टोकन जो है वो अगर इसको क्लेम कर सकते हो। और अगर आपने नहीं की तो अभी आप इसका सीजन 3 जो है स्टार्ट होने वाला है, बल्कि हो चुका है, और इसमें आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे जो है दो तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो आप लोग यहाँ पे NFT की लिस्टिंग करो, या जो है यहाँ पे आके इसमें ट्रेडिंग करो। और लिस्टिंग या ट्रेडिंग NFT करोगे तो यहाँ पे आपको ब्लर पॉइंट्स मिलेंगे, वही पॉइंट जाके आगे फ्यूचर में आके कन्वर्ट कर सकते हो इंटू ब्लर में, जहाँ पे इसको इसका ये जो सीजन 3 एयर ड्रॉप स्टार्ट होगा, जब क्लेम होगा तो उसमें आके आप क्लेम कर सकते हो। और दूसरा जो है यहाँ पे, अगर आपके पास जो ब्लर टोकन है, अगर आप लोग होल्ड करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो, तो वही के उसके थ्रू भी 50% एयर ड्रॉप मिलेगा। जिन लोगों को यहाँ पे जिन लोगों ने स्टेक किया होगा, ब्लर टोकन को स्टेक किया होगा, तो उनको पॉइंट्स के थ्रू हिसाब से जितने मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे तो उतने ही उनको टोकन मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे दूसरा ईयर ड्रॉप इसी तरीके से मिलेगा। थर्ड जो ऑप्शन होगा, 50% ईयर ड्रॉप होगा ब्लास्ट के थ्रू, जो कि इनका Layer 2 सोल्यूशन है ब्लर का। और यहाँ पे अगर आप आके इथेरियम ब्रिज करते हो या स्टेबल कॉइन को ब्रिज करते हो, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। साथ साथ अगर आप यहाँ पे इथेरियम ब्रिज करते हो तो फेब्रवरी तक यहाँ पे आपके इथेरियम ब्लॉक होंगे, और उसको मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। एंड उसी तरीके से उसमें आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा। उसके मतलब जो इंटरेस्ट है Layer 2 पे, आप यही कहीं पे भी आप Layer 2 करते हो तो वहाँ पे आपको यील्ड नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपको यील्ड भी मिलेगी। और जितना मैक्सिमम आप इथेरियम यहाँ पे लॉक कर सकते हो तो लॉक कर दीजिएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट्स है वो जनरेट होंगे, और उससे आपको जो ईयर ड्रॉप है वो यहाँ पे ब्लर का जो सीजन 3 ईयर ड्रॉप है वो मिलेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ यहाँ पे किया हुआ है, 0.04 इथेरियम मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया हुआ है, जो कि लॉक होगा। और मेक श्योर करें जब यहाँ पे आप इथेरियम लॉक करना चाहते हो या इसमें डिपॉजिट करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे आके सिंपल सा अपने इथेरियम जो है ब्रिज करने हैं, और वो लॉक होंगे अटिल फेब्रुअरी तक। अटिल फेब्रुअरी तक यहाँ पे इसको आप नहीं निकाल सकते। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप ब्लास्ट को कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जो कोड अवेलेबल है, तो वही लोग ज्वाइन कर जिनके पास कुछ ना कुछ फंड अवेलेबल है। अगर फंड आपके पास नहीं है तो आप इसको ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वाइट कोड होगा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मैं रिकमेंड बॉक्स में रेफर कोड दे दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद आप ज्वाइन करने के बाद आके आप यहाँ पर ब्रिज कर सकते हो। विड्रा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, यहाँ पे आप मेन इथेरियम से इसको ब्रिज कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टेबल कॉइन को भी ब्रिज कर सकते हैं L2 में, ब्लास्ट L2 में। तो यहाँ पे आपको जो है वो यील्ड प्लस पॉइंट्स दोनों मिलेंगे। और सेम यहीं पे ब्लर पे, अगर आपके पास ब्लर टोकन है या आप बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, और यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे यहाँ पे आप ब्लर टोकन को डिपॉजिट करते हो। तो यहाँ पे आप देखते हैं 20 नवंबर को जो है पर हावर 4 पॉइंट्स मिल रहे थे, यहाँ पे आप जो है 3.5 पॉइंट्स पर हावर पर ब्लर मिल रहे हैं, तो कल जो है 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो डिक्रीज होंगे पॉइंट्स विद इन टाइम। और यहाँ पे आप 26 नवंबर के बाद 1 पॉइंट पर ब्लर पर हावर अर्न करोगे। तो अगर आप अभी से इसमें डिपॉजिट करते हो तो आपके यहाँ पे आप चांसेस है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉइंट्स मिल जाएंगे। सेम यहीं पे मल्टीप्लायर की बात करें तो यहाँ पे 0.5 पर मंथ आपके जो, अगर आप इसको यहाँ पे स्टेक करते हो और मंथ हिसाब से 0.5 जो है आपके मल्टीप्लायर पे लगेगा, तो उसी से भी आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मई तक यहाँ पे आपने इसको होल्ड करना होगा, और इसको आप एनी टाइम विड्रा कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो मई तक इसका जो है थर्ड ईयर ड्रॉप आएगा, तो वो आप भी उसमें से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहीं पे अगर आप देख सकते हैं तो 50% जो है वो इन लोगों ने NFT ट्रेडर्स के लिए रखा हुआ है, 50% जो है वो
ब्लर टोकन होल्डर के लिए है। तो यहीं से अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यही भी लिखा हुआ है, और साथ साथ अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हो ब्लास्ट को, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोड्स भी आपको मिल जाएंगे। बट मेक श्योर करें, अगर आप यहाँ पे इस ईयर ड्रॉप को ज्वाइन करना चाहते हो तो यही पे कोड जो है आप यूज़ करें। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते, फंड इसमें ब्रिज नहीं करना चाहते, डिपॉजिट नहीं करना चाहते, तो इसमें मेक श्योर करें यहाँ पे कोड को यूज़ ना करें। साथ साथ यहाँ पे मैंने लीना का जो ईयर ड्रॉप है वो, उसके बारे में भी यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया लीने का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो थर्ड वेव है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, वेव टू तकरीबन आज एंड हो जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप भी एक्सपी को फार्म कर सकते हो, और जितना मैक्सिमम यहाँ पे आप एक्सपी को अर्न करोगे, तो वहीं से आपको यहाँ पे ईयर ड्रॉप मिलेगा लीने का। यहाँ पे अगर हम, मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ जो कि लीना पे डिस्कॉर्ड पे किसी ने शेयर किया था कि यस वी यहाँ पे कहते हैं वी विल गेट योर ड्रॉप रिवॉर्ड एक्सपी के लिए। तो इन लोगों ने यस यू विल वेट फॉर द एक्सपी इवेंट प्लीज़। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सपी इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो लीना का ईयर ड्रॉप एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, और ब्लड का और ब्लास्ट का आप दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हो तो आप मैक्सिमम यहाँ पे ईयर ड्रॉप अर्न कर सकते हो इन फ्यूचर। सो फिलहाल इस वीडियो में तक ही, सी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव।